हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ गौरवी राठौर एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर एंड दिस इज़ योर लेक्चर सेकेंड ऑफ चैप्टर थर्ड देखिए फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता दिया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है वो हमारे कंप्यूटर की ओवरऑल वर्किंग को मैनेज करता है कंट्रोल करता है मतलब जो भी वर्क हमारे कंप्यूटर में हो रहा है जो भी हम काम उसमें कर रहे हैं उन सबको मैनेज करना और कंट्रोल करना वो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क होता है तो so, विंडो जो है वो एक क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम इस चैप्टर में जो है विंडो टेन के बारे में पढ़ रहे हैं तो विंडो टेन जो है वो विंडो का लेटेस्ट वर्ज़न है ठीक है जो अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो का जो चल रहा है वो विंडोज़ टेन है तो so, अब हम इसमें आगे विंडोज़ टेन के फ़ीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि विंडोज़ टेन के क्या क्या फ़ीचर हैं क्या क्या फ़ीचर ये हमें प्रोवाइड कराता है सो so, फर्स्ट विंडोज़ टेन इज़ मोर एट्रैक्टिव विद अ कम्प्लीट सेट ऑफ अव पिक्चर्स थीम्स एंड आइकन्स विंडो टेन जो है वो बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव बन एट्रैक्टिव है बिकॉज क्योंकि ये जो है हमें पिक्चर्स थीम्स और आइकन्स का पूरा एक कम्प्लीट सेट दे रहा है जिसमें न्यू पिक्चर्स हैं न्यू थीम्स हैं न्यू आइकन्स हैं आप नए तरह के वॉल पेपर यूज़ कर सकते हैं कलर्स यूज़ कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप को और ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाने के लिए और ज़्यादा ब्यूटिफुल बनाने के लिए द बेस्ट फीचर्स ऑफ विंडोज सेवन एंड विंडोज़ एट आर इंक्लूडेड इन विंडोज़ टेन और विंडोज सेवन और विंडो एट के जो बेस्ट फीचर थे ठीक है ये सब भी ये दोनों भी विंडोज़ के ही वर्जन हैं लेकिन इन दोनों के जो बेस्ट फीचर थे वो बेस्ट फीचर्स को विंडोज़ टेन में रखा गया है एट हैज़ एन इम्प्रूव्ड सर्च टूल कॉटना और इसमें जो है एक इम्प्रूव पावरफुल सर्च टूल है जिसका नेम जो है वो है कॉटना ठीक विच हेल्प यू टू फाइंड इन्फॉमेसन ऑन योर सिस्टम और ऑन द वेब डायरेक्टली जिसकी हेल्प से जो है हम अपने सिस्टम में किसी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं या फिर इंटरनेट के थ्रू कोई भी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं अगर हमें अपने सिस्टम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी हम कॉटेना में सर्च कर सकते हैं और अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें इंटरनेट से ही मिल सकती है हम उसे भी कॉटना में सर्च कर सकते हैं यू कैन इवन गिव वॉइस कमांड्स टू दिस सर्च टूल और हम जो है इसमें वॉइस कमांड्स भी दे सकते हैं सर्च टूल में इस सर्च टूर में इट हैज़ अ न्यू टास्क व्यू बटन टू द राइट ऑफ द सर्च बॉक्स ऑन द टास्क बार और इसमें जो है टास्क व्यू बटन भी होता है जो कि टास्क बार में सर्च बॉक्स के राइट right साइड में होता है ठीक है टास्क व्यू बटन जो है टास्क बार जो है डेस्कटॉप में सब बॉटम में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हॉरिजॉन्टल बार होता है वो एक वो होता है टास्क बार और उसमें जो है सर्च बॉक्स के राइट right साइड में होता है टास्क व्यू बटन दिस बटन प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू ओपन मल्टीपल डेस्कटॉप एट द सेम टाइम और ये बटन जो है आपको मल्टीपल डेस्कटॉप को सेम टाइम पर डिस्प्ले करने के मतलब ओपन करने के फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है इसकी वजह से जो है आप अपने कंप्यूटर में अगर आपने एक से ज़्यादा डेस्कटॉप क्रिएट कर रखे हैं ठीक है अगर एक से ज़्यादा डेस्कटॉप आपने क्रिएट कर रखे हैं एक से ज़्यादा विंडो ओपन कर रखे हैं तो आप उन्हें शो भी कर सकते हैं देख भी सकते हैं इस बटन के थ्रू विंडो टेन प्रोवाइड अ विंडोज़ स्टोर एप्लीकेशन और विंडो टेन जो है वो विंडोज स्टोर एप्लीकेशन भी प्रोवाइड कराता है जैसे हमारे फोन्स में होता है गूगल प्ले स्टोर उसी तरीके से विंडोज़ टेन में होता है विंडोज स्टोर एप्लीकेशन जिसमें सारे अपडेटेड एप्स ठीक है और मूवीज और गेम्स म्यूजिक ये सब आपको प्रोवाइड होता है वेयर यू कैन गेट अ लॉट ऑफ फ्री एप्स गेम्स एंड सॉन्ग जहाँ पे आप कई सारे एप्स म्यूज़िक सॉन्ग्स वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं वैन वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर विंडोज स्टार्ट ऑटोमेटिकली द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स विद लेबल्ड पिक्चर ऑन इट इस कॉल्डर डेस्कटॉप देखिए जैसे ही आप कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे आप स्विच ऑफ आप आपने कंप्यूटर को किया तो सबसे पहले जो है विंडो स्टार्ट होती है विंडो ऑटोमेटिकली आपके सामने स्टार्ट हो जाएगी देन द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स उसके बाद जो है जैसे विंडो स्टार्ट हो जाती है तो उस फर्स्ट स्क्रीन जो आपको सबसे पहले विंडो स्टार्ट होने के बाद दिखेगी उसमें जो है कई सारे लेबल्ड पिक्चर्स होते हैं जिन्हें हम आइकन्स बोलते हैं ठीक तो वो आइकन्स जो हैं वो उस स्क्रीन पर होते हैं उस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं डेस्कटॉप बोलते हैं नेक्स्ट आइकन्स स्मॉल लेबल्ड पिक्चर्स और सिम्बल्स प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स और ये जो लेबल्ड पिक्चर जो मैंने बताया स्मॉल लेबल्ड पिक्चर और सिम्बल्स ठीक है ये जो डेस्कटॉप पे प्रेजेंट होते हैं ठीक इन्हें क्या बोलते हैं हम आइकन्स ये छोटे छोटे मतलब हर ऐप का या हर एप्लीकेशन का आपको छोटे छोटे आइकन्स जो हैं आपके डेस्कटॉप पे दिखेंगे ठीक दीज आइकन्स आर यूज टू तो ओपन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंट्स और ये इन आइकन्स का यूज़ जो है हम किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए करते हैं आप जैसे अगर हमें एम एस पेंट ओपन करना है तो हम एम एस पेंट के ही आइकन पे क्लिक करेंगे देन वो एम एस पेंट ओपन हो जाएगा वो प्रोग्राम सो क्लास आई होप आज मैंने जितना आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा और आपका होमवर्क ये है कि आप इसके आगे रीड करेंगे आई होप यू एंजॉय माई क्लास थैंक यू